Hi guys, welcome to Happy Hi Tarot. आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, क्या ये इंसान आपके लिए ठीक रहेगा या फिर नहीं, क्या इनके साथ कनेक्शन में आना या उसको आगे ले जाना आपके लिए अच्छा रहेगा या फिर नहीं। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर। एक्स्ट्रा पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो ग्रुप वन के लिए हमारे पास है ये व्हाइट हार्ट, ग्रुप टू के लिए है ब्लू हार्ट और ग्रुप थ्री के लिए है ग्रीन हार्ट। ऑलराइट, आप वीडियो को पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाला हार्ट चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर सिलेक्शन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप वन, अगर आप लोग ने व्हाइट हार्ट चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपके लिए ठीक रहेगा या फिर नहीं। ज्यादा पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है तो आप आगे स्किप कर सकते हैं। स्पिरिट, इज द पर्सन दैट ग्रुप वन थिंकिंग अबाउट राइट फॉर देम? इज द पर्सन दैट ग्रुप वन थिंकिंग अबाउट राइट फॉर देम? Is the person that group one's thinking about right for them, Spirit? Is the person that group one's thinking about right for them? Power. Okay, what else, Spirit? Is the person that group one's thinking about right for them? Sacrifice. Is the person that group one's thinking about right for them? Is the person that group one's thinking about right for them? Foundation and achievements. All right, or bottom of the deck hai truth. All right, based off of these cards, group one, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये connection आगे तो बढ़ सकता है और अगर आप लोग साथ में रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, all those things, तो वो भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। As such उसमें कोई problem नहीं है। मेरा issue यहाँ पर आ रहा है power और sacrifice से, क्योंकि इन कार्ड्स के मुताबिक ये कनेक्शन आगे तभी बढ़ पाएगा अगर आप में से एक इंसान डोमिनेटिंग हो जाए और दूसरा वाला चुपचाप सिर्फ वही करे जो पहला वाला इंसान उसको करने के लिए कह रहा है। और यहां पर क्योंकि ये रीडिंग हम आपके लिए देख रहे हैं, इसीलिए जो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपनी इच्छाओं का, अपनी पावर का, वो आपको करना पड़ेगा ग्रुप वन। तो अगर आपको सिंपली उनकी भेड़चाल में चलना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, ये सब मंजूर है तो फिर ऑफकोर्स आप आगे बढ़ सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है। लेकिन अगर आपको अपना, अपनी इंडिपेंडेंस पसंद है, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी पसंद है, आपको अपने मन मुताबिक चीजें करना पसंद है, तब फिर आई डोंट नो आप इतने कंट्रोलिंग इंसान के साथ कैसे रह पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर पावर कार्ड दिखा रहा है कि ये जो इंसान है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंसान बुरा है, बट इट्स जस्ट दैट आपके कंपैरिजन में इनको ईगो बहुत है। इनको बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई इंसान इनकी मर्जी के खिलाफ जाकर कुछ करे। अगर आप लोग इससे पहले इनके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं तो, या अभी अगर हैं, तो आपने भी ये चीज इनके बारे में नोटिस की होगी कि कैसे ये हर लड़ाई झगड़े को बहुत कन्वीनियंटली अपने ऊपर घुमा देते हैं कि जैसे जो कुछ भी गलत हो रहा है वो इन्हीं के साथ हो रहा है और आपके साथ तो कभी कुछ गलत इन्होंने किया ही नहीं है। या फिर छोटी छोटी लड़ाइयों में भी आपने नोटिस किया होगा कि कैसे इनको एक ये नीड है इनके अंदर कि आखिरी सेंटेंस या आखिरी बात यही बोले और उसके बाद लड़ाई खत्म हो। इनको नहीं पसंद आता कि इनके, यू नो, इनके आर्ग्यूमेंट खत्म कर देने के बाद भी फिर दोबारा कोई इनको जवाब दे, फिर से इनको कोई रिप्लाई मिले। दे डोंट लाइक दैट। तो ईगो इश्यूज इस इंसान में बहुत हैं और बहुत डोमिनेटिंग और बहुत कंट्रोलिंग नेचर के ये हैं। तो अगर आपको इनके साथ गो अहेड करना है इस कनेक्शन में, तो आपको जो सबसे बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा वो होगा अपनी जबान का, क्योंकि आपकी इनके सामने चलेगी नहीं, जो आपको बोलना है वो ये सुनेंगे नहीं। ओके, तो अगर आपको उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। फिर अब देख लेते हैं कि टारो कार्ड्स का क्या कहना है यहाँ पे। एंड ये जनरल रीडिंग है गाइस, अगर आपको लगता है आपके पर्सन वैसे नहीं है जैसे मैं डिस्क्राइब कर रही हूं, तो यू कैन ऑलवेज पिक अनदर पाइल, नो इश्यूज। Spirit, is the person that group one's thinking about right for them? Is the person that group one's thinking about right for them? Page of Cups.
Okay, what else, Spirit? Is the person that Group 1 is thinking about right for them? Three of Pentacles. Is the person that Group 1 is thinking about right for them? Is the person that Group 1 is thinking about right for them, Spirit? Six of Pentacles in reverse. Is the person that Group 1 is thinking about right for them, Spirit? Is the person that Group 1 is thinking about right for them, Spirit? One last card, please, Spirit. Is the person that Group 1 is thinking about right for them? Four of Wands. Per se. So here's, look at this. Bottom of the deck, Seven of Swords. छुपा कर रखना अपना ओपिनियन. यहाँ पर वही चीज नजर आ रही है. अगेन फोर ऑफ वन से नजर आ रहा है कि अगर आपको इस इंसान से शादी करनी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहते हो करना तो हो जाएगी. बट ये कनेक्शन जितना आप उम्मीद करोगे कि बैलेंस्ड हो वो चीज नहीं होगी. यहाँ पर एक इंसान के एफर्ट के बलबूते पर ये कनेक्शन टिका रहेगा. अगर शादी चलेगी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सबमिसिव होंगे और वो डोमिनेटिंग होंगे. यहां पर ये नजर आ रहा है कि इस रिश्ते की जो नींव है वही सॉरी है. सॉरी इन द सेंस, सॉरी शब्द इस रिश्ते की नींव है कि गलती वो करते जाएं, आप माफी मांगते जाओ, या फिर अगर आपने कुछ नहीं भी किया है तो भी आप सॉरी बोलते जाओ, तो ये कनेक्शन स्मूथली आके बढ़ता रहेगा और शादी में तब्दील हो जाएगा. तो इस कनेक्शन का जो नींव है वही अनइवन है. इस कनेक्शन की नींव ही है कि एक इंसान घुटता रहे प्यार के चक्कर में और दूसरा इंसान अपनी मनमानी करता रहे. सॉरी ग्रुप वन, मेरी आदत है नहीं ज्यादा शुगर कोटिंग करके बात करने की. मुझे जो दिखता है मैं साफ साफ वही बोलती हूँ. ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि स्पिरिट का क्या मैसेज है आपके लिए. और ऐसा नहीं है कि दो बार फोर ऑफ वांड्स आ गया तो आप लोग बड़ा अपने दिल पर पत्थर रख लो कि हे भगवान अब तो इसी आदमी से या औरत से शादी करनी पड़ेगी, शिट यार. ऐसा कुछ नहीं है. तुम्हारा मन है, नहीं पसंद आ रहा है तो आगे बढ़ो इस इंसान से, मतलब. ओके स्पिरिट, व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप वन? व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप वन? A time to give rather than take. And one more, please, Spirit. What message do you have for Group 1? What message do you have for Group 1? Meditate and contemplate. Spirit बोल रहे, बेटा सोच लो, पक्का यही चाहिए तुमको, ऐसी जिंदगी चाहिए, ऐसा ही इंसान चाहिए. मेडिटेशन करो ग्रुप वन, आप लोग को खुद आंसर मिलेगा अंदर से कि क्या ये इंसान आपके लिए ठीक है या नहीं. और ये जो कार्ड है यहाँ पर, टाइम टू गिव रादर देन टेक, यहाँ पर ये कार्ड आपको बोल रहा है कि जो इतना प्यार और इज्जत आप इस इंसान के ऊपर लुटा रहे हो ना ग्रुप वन, अगर थोड़ा सा इसका 0.1% भी अपने अंदर डायरेक्ट करो, आप अगर आप खुद को दो तो आपको खुद समझ में आएगा कि आप इस कनेक्शन में भले ही सर्फिस लेवल पर आपको जितना भी लग रहा हो कि ओ मैं तो इस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार में हूँ, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, अगर आप मेडिटेट करेंगे, अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सेल्फ लव डायरेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक्चुअली आप घुट रहे हैं. बट ऑफकोर्स एंड डिसीजन आपका है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. आई विश यू ऑल द बेस्ट ग्रुप वन. ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय. हाय ग्रुप टू, अगर आप लोग ने ब्लू हार्ट चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं क्या वो इंसान आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं. अगर आपको और भी पिक कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर. अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है तो आप आगे स्किप कर सकते हैं. सो स्पिरिट, इज द पर्सन दैट ग्रुप टू इज थिंकिंग अबाउट राइट फॉर देम? इज द पर्सन दैट ग्रुप टू इज थिंकिंग अबाउट राइट फॉर देम? वन कार्ड एट अ टाइम प्लीज. Is the person that group 2 is thinking about right for them? Temptation. Okay, aap ya wo Capricorn ho sakte hain. Is the person that group 2 is thinking about right for them? Is the person that group 2 is thinking about right for them?
और जरूरी नहीं कि अगर वो कैप्रिकॉर्न नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं. ऑल राइट, सो स्पिरिट इज द पर्सन दैट ग्रुप टू इज थिंकिंग अबाउट राइट फॉर देम. ट्रायम्फेंट सक्सेस. एंड वन मोर कार्ड प्लीज. स्पिरिट इज द पर्सन दैट ग्रुप टू इज थिंकिंग अबाउट राइट फॉर देम. इज द पर्सन दैट ग्रुप टू इज थिंकिंग अबाउट राइट फॉर देम. Spirit, one card at a time, please. Is the person that group 2 is thinking about right for them? Transformation. Bottom of the deck है rejoice and celebration. तो फिलहाल इन कार्ड्स के बेसिस पर तो लग रहा है कि हाँ, इस इंसान में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन है आप दोनों की तरफ. यहाँ पर एक ऐसा कनेक्शन नजर आ रहा है ग्रुप टू, जो आप लोगों का स्टार्ट हुआ होगा एज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टूवर्ड्स ईच अदर, और ग्रेजुअली जब आप लोगों ने साथ में ये टाइम स्पेंड किया होगा तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन से ज्यादा बढ़कर भी हम दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं. यहाँ पर सिर्फ लस्ट नहीं है, यहाँ पर लव भी है. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है कि इस इंसान के साथ आप लोग एक नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप में थे कि यू नो वील हैव फन, वील स्पेंड टाइम टुगेदर, बट साइड में तुमको किसी और को डेट करना है तो कर लो, मुझे किसी और को करना है तो मैं भी कर लूंगी या कर लूंगा. बट धीरे धीरे आप लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं यार, हमें फेथफुल होना है एक दूसरे के साथ, हमें एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं चाहिए. तो यहाँ पर ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्म होते हुए नजर आ रहा है एक ऐसे कनेक्शन से जो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन पर बेस्ड था टू समथिंग मोर देन दैट. ये भी नजर आ रहा है यहाँ पर कि ये इंसान आप लोगों के अंदर एक बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा या ऑलरेडी ला चुका है, या इनके साथ आपको वो चीज मिलेगी. ये रिश्ता आप लोगों को हेल्प करेगा टू ग्रो. और अगर आपकी कोई भी ऐसी खराब आदत है जिस वजह से आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं या फिर आपके काम उतना नहीं बन पाते हैं, तो ये इंसान आपको बार 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 सही रास्ता दिखाया करेगा. यहां पर मुझे, मैं वो एनर्जी पिक कर रही हूं कि ये इंसान बोलते बिल्कुल साफ सटीक बात बोलते हैं, ज्यादा ये घुमा फिराकर नहीं बोलते हैं, ज्यादा घी चुपड़ के नहीं बोलते हैं. अगर आपको, अगर इनको आप में कोई फ्लॉ नजर आ रहा होता है तो आप ही के भले के लिए ये इंसान हमेशा आपकी गलती को पॉइंट आउट कर देता है ताकि आप उससे सीख करके फिर आप सुधर सको. तो ये इंसान आपको बहुत ऑनेस्ट फीडबैक प्रोवाइड करता रहता है आपके हर छोटे बड़े कदम पर, विच इज वेरी गुड. बहुत कम ऐसे पार्टनर मिलते हैं जो कि आपकी ग्रोथ में आपको सपोर्ट करें. तो वो कनेक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है. एंड जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक बता रहा था कि ओवरऑल आप इनके साथ खुश ही हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. अब देख लेते हैं टैरो कार्ड्स का क्या कहना है. और बाय द वे, ये जो चीज मैंने बोली थी कि ये आपकी मदद करेंगे कि आप एक बेहतर इंसान बने, वो वाइस वर्सा भी है, आप भी उनकी मदद करेंगे. Alright, let's see what else. Spirit, how is the person on group 2's mind right for them? Is the person on group 2's mind right for them? Queen of Cups. Okay. What else, Spirit? Is the person on group 2's mind right for them? Wow, 10 of Pentacles. Is the person on group 2's mind right for them, Spirit? Is the person on group 2's mind right for them, Spirit? Page of Swords. Is the person on group 2's mind right for them, Spirit? Knight of Cups. Beautiful. Bottom of the deck hai Death, which is again all about transformation, group 2. To haan, ye insaan aapke liye theek hai. Alright, aisi koi problem is insaan mein nahi hai, is connection mein nahi nazar aa rahi hai. हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ा एज डिफरेंस हो, थोड़ा मैच्योरिटी लेवल का डिफरेंस भी यहाँ पर नजर आ रहा है. आप में से एक थोड़ा शांत स्वभाव का है, एक बहुत ज्यादा रोमांटिक है. रोमांस आपके कनेक्शन में हमेशा बरकरार रहेगा. टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो कर रही है कि ये कनेक्शन आगे जाकर शादी में, एक ऑफिशियल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म होने का बहुत स्ट्रांग यहाँ पर चांस है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर यही दिखा रही है कि इस कनेक्शन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा फेज आ जाए जिसमें आप लोग फंसा हुआ फील करो. बहुत ही रैपिड ग्रोथ और बहुत ही एक फ्रेशनेस वाली वाइब यहाँ पर आप लोगों की पाइल में नजर आ रही है. तो हाँ, इस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रुप टू, उल्टा ये कनेक्शन आपको
एक सही दिशा में, एक बेहतर दिशा में डायरेक्ट करता हुआ ही नजर आ रहा है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि स्पिरिट का क्या मैसेज है आपके लिए। यहां पर ये नजर आ रहा है कि आप में से एक इंसान ज्यादा बेहतर समझ रखता है अपने इमोशंस की और दूसरा अभी थोड़ा कम समझ रखता है अपने इमोशंस की, बट जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो भी मैच्योर करते जाएंगे, या शायद ये आपकी एनर्जी हो। जो फेमिनिन है इस कनेक्शन में वो ज्यादा मैच्योर है और जो मैस्कुलिन है इस कनेक्शन में वो अभी थोड़ा उतना मैच्योर नहीं है, बट फीलिंग्स उनकी भी प्योर है, कोई खराब इंटेंशंस उनकी साइड पर भी नहीं है। ऑलराइट स्पिरिट, व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप टू? व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप टू? व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप टू? मुझे एक मैसेज मिल रहा है, ये वैसे हर किसी के लिए नहीं होगा, बट यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री अचानक से हुई थी और तब हुई थी जब आपकी और कहीं अरेंज मैरिज की बात चल रही थी और सडनली आपकी इस इंसान से मुलाकात हुई थी। ओके, व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप टू स्पिरिट? वाओ, लक इज ऑन योर साइड। एंड वन मोर मैसेज प्लीज स्पिरिट, व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप टू? What message do you have for Group 2 Spirit? You and your loved ones are safe. तो हाँ, ये connection आपके लिए safe है Group 2. इस इंसान को प्यार करना, इस connection में अपना time और energy लगाना is safe. इससे कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है. इस connection में आपका और इस इंसान का दोनों का ही luck, आप दोनों को बहुत strongly favor कर रहा है. और इसीलिए भी यहाँ पर Page of Swords और Ace of Swords की energy है. इस connection में चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, वो कभी भी आप लोगों को ग्रो करने से नहीं रोकेंगी. ये कनेक्शन हमेशा मूव करता ही रहेगा. ब्यूटिफुल, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं. ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय. हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ग्रीन हार्ट चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं. ये जो मजाक हुआ है शफलिंग के नाम पर, उसको जरा ठीक कर लें. अगर आप लोगों को और पिक कार्ड रीडिंग देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए भी आप मुझे वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर. अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है तो आप स्किप कर सकते हैं. सो स्पिरिट, इज द पर्सन ऑन ग्रुप 3's माइंड राइट फॉर देम? इज द पर्सन ऑन ग्रुप 3's माइंड राइट फॉर देम स्पिरिट? इज द पर्सन ऑन ग्रुप 3's माइंड राइट फॉर देम स्पिरिट? Third eye chakra. All right, what else spirit is the person on group 3's mind right for them? Is the person on group 3's mind right for them spirit? Patience and planning. Is the person on group 3's mind right for them spirit? One card at a time, please. Is the person on group 3's mind right for them, spirit? Wow, harmony. So far, it looks like a yes, group 3. And third eye chakra ki energy yahan par indicate kar rahi hai ki kahin na kahin aapko bhi is cheez ka jawab already malum hai. आप दोनों एक इंटुइटिव लेवल पर बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं. एनर्जेटिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त है. भले ही आप इस इंसान से इस वक्त बात ना भी कर रहे हो, तभी भी आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज हमेशा पिक कर पाते हैं. बहुत ही मिररिंग एनर्जीज हैं यहाँ पर हार्मनी कार्ड के साथ में. आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, आप दोनों हमेशा कनेक्टेड हैं एक साथ, और ये बहुत स्ट्रांग हार्ट चक्रा की एनर्जी यहाँ पर है, ये ग्रीन के साथ में, और आपने हार्ट भी ग्रीन वाला ही चूज किया था. यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है पेशेंस एंड प्लानिंग कार्ड के साथ, वो ये कि ये जो रोड है टू यूनियन आप दोनों के साथ में आने की, वो जितना आप चाह रहे थे उससे ज्यादा वक्त इस चीज में लग रहा है. ठीक है, स्पिरिट आपको बोल रहे हैं आप पेशेंस रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली यूनियन आप दोनों का होना ही है. 5D लेवल पर, एनर्जेटिक लेवल पर ऑलरेडी आप लोग एक हो. इट्स जस्ट दैट फिजिकल प्लेन पर, 3D लेवल पर, अर्थ पर आप लोगों का यूनियन अभी होना बाकी है. और हाँ, उसमें समय लगेगा, रास्ता काफी लंबा है, बट आप पेशेंस बनाकर रखिए.
वो चीज जरूर होगी, ये एक डेस्टिंड कनेक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। मुझे नहीं पता कि आपके पर्सन का इंट्यूशन कितना स्ट्रांग है या कितना नहीं है, या वो स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखते हैं या नहीं, बट आई मीन आप लोग तो रखते ही हैं, तभी आप टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी इट्स सो प्योर, ये यहाँ पर बता रही है कि आई थिंक अगर आपका ध्यान ग्रीन हार्ट की ओर आया था तो मेरे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही आप में से मैक्सिमम लोगों को पता था कि इसका जवाब यस निकलने वाला है। इतना स्ट्रांग आपका खुद का भी इंट्यूशन है, दिस इज ब्यूटिफुल। इट्स जस्ट दैट कभी कभी थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग आप लोगों के लिए हो जाता होगा, क्योंकि बीच बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आती होगी, या फिर यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है आप इसे कुछ लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, इस वजह से भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है क्योंकि फिजिकली आप दोनों साथ में वक्त नहीं बता पाते हैं। बट चाहे जितना भी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हो या नो कम्युनिकेशन पीरियड्स आया करें बीच बीच में, बावजूद उन सारी ऑब्स्टिकल्स के आप दोनों हमेशा से कनेक्टेड रहे हैं। जब से आप एक दूसरे से फिजिकली मिले हैं उससे पहले से भी, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स का क्या कहना है। आप या ये इंसान जेमिनाई हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है, साइंस इतना फर्क नहीं पड़ता। सो स्पिरिट इज द पर्सन ऑन ग्रुप थ्री इज माइंड राइट फॉर देम, इज द पर्सन ऑन ग्रुप थ्री इज माइंड राइट फॉर देम। द हर्मिट, वर्गो की एनर्जी भी यहां पर है। इज द पर्सन ऑन ग्रुप थ्री इज माइंड राइट फॉर देम स्पिरिट। थ्री ऑफ कप्स, इज द पर्सन ऑन ग्रुप थ्री इज माइंड राइट फॉर देम स्पिरिट। Eight of Cups, is the person on Group 3's mind right for them spirit? Is the person on Group 3's mind right for them spirit? Three of Swords, bottom of the deck here, Knight of Wands. Spirit, please clarify the Three of Swords. Ten of Cups, all right. तो ये काफी इंटरेस्टिंग है ग्रुप थ्री। ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप पहले भी कनेक्शन में रह चुके हैं और तब इन्होंने आपका दिल काफी जबरदस्त तरीके से तोड़ा था और शायद आपको छोड़कर के किसी और को इस इंसान ने चूज किया था। अभी भी शायद ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और इसीलिए आपकी ओर कोई एक्शन ये नहीं ले रहे हैं। ऐसा करने में इनको भी कोई खासा खुशी नहीं मिल रही है। बट यहां पर मैं दो एनर्जीज पिक कर रही हूं बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। बिगर क्वेश्चन हमारा था कि क्या ये इंसान आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं, तो उसके लिए जो आंसर निकल कर आया है वो है हाँ। बट अगर बात करें कि क्या आपको इस इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए यहां पर 50-50 चांस निकल करके आया है कि इट डिपेंड्स अपॉन यू कि जब ये इंसान वापस आए आपके पास तो आपको इनको स्वीकारना है या नहीं, वो टोटली आपकी मर्जी है। अगर आप स्वीकारते हैं तो ये कनेक्शन अच्छा रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि आगे भी आपका दिल तोड़ेंगे। और अगर आप ऑफकोर्स इनको दूसरा चांस नहीं देना चाहते हैं तो आप मूव ऑन कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल अभी इंसान आपकी ओर एक्शन इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रांग थर्ड पार्टी एनर्जी निकल करके आई है। जब वहां पर मामला खत्म होगा उसके बाद, उस सिचुएशन से मूव ऑन करने के बाद, ये इंसान अपने पास्ट को रिविजिट करेगा, यानी कि आपको रिविजिट करेगा। जब ये वापस आए तो आप इनको सेकेंड चांस देना चाहते हैं या नहीं, डिपेंड्स अपॉन यू। बट इस इंसान में और आप दोनों के कनेक्शन में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स टू द टेन ऑफ कप्स यहां पर इंडिकेट करना है कि इस कनेक्शन का जो टफेस्ट फेज था, इस कनेक्शन से जितना आपको दुख मिलना था या जो लेसन्स आपको लर्न करने थे वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए ग्रुप थ्री ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में, टैरो रीडिंग, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, चक्रा हीलिंग, मेडिटेशन, इस सब के बारे में पता ही नहीं था। जब ये इंसान आपकी लाइफ से चला गया उसके बाद आप लोग इस पाथ पर आ गए, जैसे कि ये पेशेंस एंड प्लानिंग वाला कार्ड भी यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस इंसान का एक बहुत बड़ा पर्पस आपकी लाइफ में आने का यही था कि ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर सके, और वो चीज इन्होंने कर दी है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है।
अब आपको दोबारा ये अपनी लाइफ में चाहिए या नहीं वो आपकी मर्जी है, बट हाँ ये कनेक्शन में अब इसके बाद और कुछ खराब नहीं होने वाला है, अब इसके बाद आजम जब भी आपके पास वापस आ जाए उसके बाद से, तो ये इंसान आपके लिए खराब नहीं है, ये इंसान आपके लिए ठीक है। आप इनको सेकेंड चांस देना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं देना चाहते हैं तो वो भी आपकी चॉइस है। ओके, अब देख लेते हैं कि स्पिरिट का क्या मैसेज है आपके लिए। स्पिरिट, व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप थ्री? व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप थ्री? लुक एट द बिगर पिक्चर। व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप थ्री स्पिरिट? What message do you have for group 3 spirit? What message do you have for group 3 spirit? A win-win outcome is forecast. Beautiful. जो मैं बोल रही थी एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर निकल करके आई है। पहली चीज लुक एट द बिगर पिक्चर से ये बता रहा है कि जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ था पास्ट में इस कनेक्शन में, बजाय उसके ऊपर फोकस करने के इस चीज पर ध्यान दीजिए कि उस हार्ट ब्रेक से आपको क्या रिजल्ट मिला, आपको क्या सीखने को मिला। और बिगर पिक्चर यही है कि उस इंसान के जरिए आपको खुद को बेहतर समझने में मदद मिली और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हुई, आप स्पिरिट से और बेहतर कनेक्ट कर पाए, वो तो हो गई बिगर पिक्चर। और विन विन आउटकम यहाँ पर वही बता रहा है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस इंसान को दूसरा मौका देते हैं तो भी आपके लिए ठीक रहेगा, और अगर आप इनको दूसरा मौका देने का डिसाइड नहीं करते हैं, मूव ऑन करने का सोचते हैं, तो उससे भी जो आउटकम आएगा वो आपके लिए ठीक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने इनको चूज नहीं किया, इनको सेकेंड चांस नहीं दिया, तो फिर इसके बाद अगर कोई आपकी लाइफ में आएगा तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलराइट, काफी हैवी रीडिंग थी ये, बट ऑनेस्टली एट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहां पर बता रही है कि ग्रुप थ्री आप में से एटलीस्ट 60% लोग ऑलरेडी इस इंसान से मूव ऑन करना स्टार्ट कर चुके हैं। शायद ये वाला वीडियो आपने सिर्फ एक तसल्ली के लिए देखा था, जानने के लिए कि ये इंसान मेरे लिए ठीक था भी या नहीं। ठीक था, इट्स जस्ट दैट ये एक मीडियम थे आपके सोल जर्नी के लिए, अपना पर्पस ये आपकी लाइफ में पूरा कर चुके हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।